हाय ऑल दिस इज़ अंजली एंड वेलकम टू माय चैनल सो अभी आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं या कभी ना कभी आपको स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स बोले जाते हैं वैसे तो आपको वो प्रोग्राम्स खुद बनाने चाहिए यू शुड कोड योर सेल्फ एंड यू शुड गेट द आउटपुट अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक्स बट अगर कभी टाइम की कमी हो और कोई प्रोग्राम बहुत जल्दी से चाहिए हो तो आपको यहाँ पर हेल्प कर सकता है चार्ट जीपी टी सो आई नो आप लोगों ने चार्ट जीपी टी के बारे में जरूर सुना होगा एंड अ स्टूडेंट अगर मुझे किसी लैंग्वेज में कोई कोड चाहिए सो दिस इज हेल्प यू लॉट हाउ सी सो चैट बेसिकली एक ए आई टूल है ए आई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट ये क्या करता है इट पार्स द डेटा फ्रॉम द इंटरनेट ठीक है इंटरनेट पर जितनी भी साइट्स हैं जब हम कुछ सर्च करते हैं तो वो उसमें से आपका क्या करता है डेटा को सर्च करता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वो आपको रिजल्ट देता है जैसे कि ये चैट जी पी टी में यहाँ से ओपन कर रही हूँ ठीक है आई एम ओपनिंग इट फ्रॉम हेर दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है हमको यहाँ पे नहीं जाना है वी हैव टू या वी हैव टू गो टू ट्राई जी पी टी ट्राई चैट जी पी टी सो लेट्स गो एंड ओपन एनी ऑफ दिस जहाँ पर आपके पास ट्राई चैट जी पी टी की ऑप्शन आ जाए तो आप इस पर जाएंगे अगर आप फर्स्ट टाइम इस पे विजिट कर रहे हैं तो वो आपको साइन अप के लिए बोलेगा जिसमें आपको अपना ई अकाउंट या अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा आपके पास ओ आएगा एंड यू हैव टू यू नो फिल इन दैट टू कन्फर्म दैट यू आर ए वैलिड ह्यूमन बींग राइट तो यहाँ पर हम आ जाते हैं ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ कोडिंग के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप इसमें अपने आर्टिकल्स बनवा सकते हो आप अपने ब्लॉग्स लिखवा सकते हो इससे आप यहाँ पर प्रोग्राम बनवा सकते हो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखती हूँ राइट right, से मुझे चाहिए पाइथन uh,

uh, iterates over a range of numbers from 2 to num minus 1 and checks if num is divisible by any of them using the modulo operator. If it returns false, immediately since the number is not prime, if the loop continues, so at the end it will be returning true. So, वो आपको proper explanation भी दे रहा है. So, ऐसा नहीं है कि सिर्फ code पकड़ा दिया, आप अपने आप समझते रहो. आपको code भी दे दिया और उस code की explanation भी दे दी. यही चीज़ अगर आपको C++ में चाहिए, so I can write C++ program to sort एरे ऑफ नंबर्स सो आई प्रेस एंटर एंड वी विल बी गेटिंग इट वेरी सुन सो वो आपको सी प्लस प्लस का प्रोग्राम भी जनरेट करके दे देगा राइट right? सो so हम यहाँ पर इससे जो भी मांगेंगे वी विल बी गेटिंग द रिजल्ट सो एज यू कैन सी यू वह तो आप इससे चैट करते जाओ और वो आप क्वेश्चन पूछते जाओ या आपको आंसर्स देता जाएगा सो दिस इज योर सी प्लस प्लस प्रोग्राम जिसकी हेल्प से हम एक एरे को सॉर्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर सॉर्टिंग यूज हो रहा है so, वो जो भी करे, हमने का नाम नहीं लिया था हमने सिर्फ ये कहा था कि दिखाओ तो इट के कोड फॉर दैट सो दिस इज योर सी प्लस प्लस कोड टू सॉर्ट एन एरे नाउ इट इज एक्सप्लेनिंग दैट एज वेल कि ये कोड कैसे काम कर रहा है सो so, कभी इमरजेंसी हो कोई प्रोग्राम फटाफट से चाहिए और आप ये सोचते रहो कि मैं किससे जाके पूछूँ ठीक है मैम ने भी अभी तक अपलोड नहीं किया मुझे आ नहीं रहा और फ्रेंड के पास भी नहीं है बट सबमिट करना है तो आई वुड अगेन से नॉट अ गुड टेक्निक ठीक है बट सिर्फ इमरजेंसी में हेल्प के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हो बट अदरवाइज ऑलवेज ट्राई टू राइट योर कोड ऑफ योर ओन इफ़ यू एक्चुअली वॉन्ट टू लर्न बट कभी कभी ऐसा हो जाता है टाइम कंस्ट्रेंट होते हैं और असाइनमेंट सबमिट करनी ज़रूरी होती है एंड एक और चीज़ बता देती हूँ भाई जब आप यहाँ से कॉपी करके सबमिट करोगे ना तो एटलीस्ट चेंज द वेरिएबल नेम्स चेंज द फंक्शन नेम्स थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर लेना अगर आप यूनिवर्सिटी में सबमिट कर रहे हो क्योंकि अदरवाइज आप प्लेजरिज्म के अंदर भी आ सकते हो प्लेजरिज्म होता है कि जो कंटेंट आपका नहीं है वहीं कहीं से आपने उसको कॉपी करके सीधा चेप दिया विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप यहाँ से सर्च तो कर लो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है अंडरस्टैंड इट और उसके बाद उसको अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मॉडिफाई करो और उसके बाद आप उसको कहीं पर भी सबमिट कर सकते हो सो दैट्स हाउ चार्ट जी पी टी कैन हेल्प यू इन राइटिंग प्रोग्राम्स ऑफ ऑलमोस्ट एनी थिंग बल्कि आई हैव हर्ड Uh, कि इट हैज़ इट इज एबल टू क्लियर यू नो कोडिंग इंटरव्यूज जो कंपनीज के होते हैं चैट जी पी टी इज़ दैट मच कैपेबल कि अगर उससे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लो या उससे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम्स पूछ लो तो वो उसका आंसर भी दे सकता है क्योंकि इट कैन एक्सेस द थिंग ओवर द इंटरनेट तो जहाँ पर भी उसको आंसर्स मिलते हैं वो वहाँ से ढूंढ के आपको प्रोवाइड कर सकता है इसे कहते हैं ट्रेनिंग एंड लर्न सॉफ्टवेयर तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं जो आप मशीन लर्निंग आपने इतना सुना है सो मशीन लर्निंग क्या है कि आप मशीन को इतना ट्रेन कर दो उसको इतने सारे क्वेश्चन पता चल जाए कि अच्छा ये आंसर बेस्ट है जिसपे सबसे ज्यादा लोगों ने लाइक like किए होंगे है ना जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने शेयर किया होगा तो ऑब्वियसली वो वाला प्रोग्राम सही है तो वो उसको पिक करके यहाँ पे दिखा देगा सो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसीलिए कहते हैं कि आज की डेट में डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की बहुत ही वैल्यू है सो so आप लोगों को भी इसको बहुत ही अच्छे से करना चाहिए और डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का सबसे पहला स्टेप सीढ़ी चढ़ने के लिए जो फ्राइडे है, है so well. को होती है ट्वेल्व फिफ्टीन पे सो आई सी लाइव क्लासेस आप भी पाइथन सीखो अच्छे से पांच लेवल में ये कोर्स डिवाइडेड है और धीरे धीरे करते करते आप भी एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे कि किसी दिन आप भी कुछ ए आई में धमाकेदार क्रिएट कर पाओगे सो दैट इज इट फॉर नाउ एंड विल साइन ऑफ जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा शेयर कीजिएगा सारे फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत कुछ कोडिंग से रिलेटेड मिलने वाला है सो दैट इज इट फॉर नाउ टेक केयर एंड आई अपलोड मोर कीप वॉचिंग कीप लर्निंग